तो मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। सो आज की इस वीडियो में ए टू जेड बात करने वाला हूँ सेमेस्टर सिक्स के बारे में, क्योंकि सेमेस्टर सिक्स आज से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है आज से। ठीक है, इसके पहले आपने क्या किया नहीं किया कुछ मायने नहीं रखता है, आज से आपका सेमेस्टर सिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। और अगर इस वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हो, फिर भी अगर आप कुछ कॉमेंट करते हो जो इस वीडियो में बताया गया चीज़ों के खिलाफ होगा, तो हो सकता है मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों का आंसर भी इस वीडियो में दे रहा हूँ, फिर भी वही सवाल आप पूछोगे, जैसा आप पूछोगे कि जल्दी तैयारी करवा दो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सेमेस्टर सिक्स का मैं तैयारी किस टाइप से करवाऊंगा। क्या मेरा नोट्स पहले से बना हुआ है, या तो वीडियो सारा मेरा डाला हुआ है, सिर्फ हमको पब्लिक करने का जरूरत है। ठीक है, तो क्या है नहीं है मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, आपको टेंशन लेने का कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले एक स्टेप बाय मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सेमेस्टर सिक्स का आप सभी को पता है कि सेमेस्टर फाइव का रिजल्ट निकल चुका है, कुछ लोगों का मार्क्स का भी रिजल्ट निकल चुका है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी वालों का अभी मार्क्स के साथ नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो फिलहाल 2-3 दिन में निकल जाएगा, वो तो निकलना ही निकलना है। लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि आप पास हो कि प्रमोट हो सो। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब सेमेस्टर सिक्स में मतलब आप लोग पहुँच गए हो, जो पास है वो भी पहुँच गया, जो प्रमोट है वो भी पहुँच गया, क्योंकि प्रमोट वालों भी आगे चले ही जाते हैं, पीछे नहीं रुकते हैं। तो आप सभी लोग सेमेस्टर सिक्स में चले गए, रिजल्ट आ गया, सेमेस्टर सिक्स में चले गए। लेकिन जिसका रिजल्ट नहीं आया है पेपर में, उसका लिस्ट में नाम है ही नहीं, तो वो सेमेस्टर सिक्स में नहीं गया है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, या तो अलग से बात करेंगे। तो आप सेमेस्टर सिक्स में चल चुके हो, इससे रिगार्डिंग एक आज नोटिस भी आया है एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के, क्योंकि आपको पता है कि सेमेस्टर सिक्स में एडमिशन तो होता नहीं है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन फॉर्म का फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आपको सेमेस्टर सिक्स के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट ना हुआ 13 जून 2022 से 20 जून 2022 तक, डेट आगे बढ़ता भी है, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि आगे डेट नहीं बढ़ेगा, जो बाद में भरेंगे फॉर्म अभी ही भर लेंगे। ठीक है, तो 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। हम बताएंगे भी कैसे भरना है, कैसे डीएससी पेपर का चूज करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, बस आपका भाई जिंदा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आपका रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ ये आपको बात पता चलेगा 22 तारीख तक, लेकिन कभी भी एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं किया जाता है, हमेशा चाहे आप जैसे ही भरो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, आज तक मैंने ऐसा देखा है, बट इसका अपना रूल्स है तो इसने बता दिया। अब नोट में क्या सो सबसे पहली बात है, तो पॉइंट नंबर 1 में ये बताया गया कि नामांकन की तिथि से 6 वर्ष बीत जाने पर बाद परीक्षा प्रपत्र नहीं भर सकते। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया था, सेमेस्टर सिक्स में किसी वजह से नहीं एग्जाम दे पाया था, और वो फिर एग्जामिनेशन देना चाह रहा तो दे सकता है, लेकिन हाँ 6 वर्ष के अंदर, ऐसा नहीं कि 6 वर्ष पहले उसने एग्जामिनेशन छोड़ दिया था सेमेस्टर सिक्स का, और आज 7वां साल चल रहा है और वो क्या कर रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहा है, या तो 6 साल बीत गया एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मुझे पता है कि आप सब नज़दीक वाले हो गए, 2 साल भी बीत गया तो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो 5 साल में भी, लेकिन 6 साल बीत गया है, 6 साल आप कहीं और सोए थे और 6 साल के बाद अब एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो, तो ये नहीं भरना, क्योंकि बहुत सारे लोग भर देते, इसलिए पहले बता दिया कि 6 साल बीत जाने वाले परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे। दूसरा है कि सेमेस्टर 6/19 से 22 की प्रायोगिक परीक्षा, जो प्रैक्टिकल परीक्षा, वो जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह होगी, जिसका भी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में लिया जाएगा। ठीक है, हम सब कुछ बात करने वाले हैं इसमें, आपको टेंशन नहीं लेना है कब एग्जाम है कैसे क्या तैयारी करना है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में लिया जाएगा, और जैसे ही प्रथम सप्ताह में प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा उसके बाद थ्योरी का परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि दूसरा में कहा गया है। तीसरा में क्या कहा गया है कि जो परीक्षार्थी सेमेस्टर 1 से 5 तक प्रमोट या पास हुए सिर्फ वही सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरेंगे। एक तो बात नहीं चीज़ है, मान लो कि आप एग्जामिनेशन हर सेमेस्टर में दिए हैं, 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में, चाहे आप प्रमोट हो गए हैं चाहे पास हो गए हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर पर तो बैठा जरूर है आप लोगों ने, तो आपको सेमेस्टर 6 का फॉर्म भर देना है। अगर आप सेमेस्टर 5 में भी प्रमोट हो गए हैं तो भी आपको सेमेस्टर 6 का फॉर्म भर देना है। लेकिन कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो जो सेमेस्टर 3 में बैठा ही नहीं था एग्जाम में, 4 में बैठा ही नहीं, 5 में बैठा ही नहीं, किसी भी सेमेस्टर में अगर बैठा ही नहीं है और उसका रिजल्ट जो होता है वो पेज में आया ही नहीं, अगर आपका रिजल्ट पेज में आ गया तो भर सकते हो, लेकिन आपका रिजल्ट पेज में नहीं आया है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हो, ये स्पष्ट लिखा गया है। चौथा, जो परीक्षार्थी सेमेस्टर 6 की आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित है वो परीक्षा प्रपत्र नहीं भरेंगे। मतलब देखिए, बहुत सारे कॉलेज में इंटरनल एग्जाम, जिसको उसी को बोलते हैं आंतरिक परीक्षा, अगर इंटरनल एग्जाम हो गया है, ठीक है, और आप इसे आपको इंटरनल एग्जाम दिए हैं तभी आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे, और अगर इंटरनल एग्जाम नहीं दिए तो फाइनल एग्जाम में नहीं बैठेंगे। तो बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये होगा कि हमारा एग्जाम जो कॉलेज है उसमें तभी इंटरनल एग्जाम हुआ नहीं है, तो हुआ नहीं है लेकिन जब भी होगा तो आपको उसमें बैठना जरूरी है, अगर नहीं बैठोगे तो आप फाइनल एग्जाम नहीं भर पाओगे। ठीक है, ऐसा इनका कहना है, बाकी आपका कॉलेज अगर कर देता तो एक अलग बात है।
सबसे बड़ी बात है कि फी कितना लग रहा है इस बार। तो देखिए यहाँ पे परीक्षा शुल्क लिखा है 650 रुपया और मूल प्रमाण पत्र शुल्क लिखा है 750 रुपया। अरे दोनों जोड़ के टोटल बोला है 1400 रुपया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो देखते हैं कि 1400 रुपया लगता है कि नहीं लगता। तो ये बात क्लियर तभी हो पाएगा जब हम लोग फॉर्म भरेंगे 13 तारीख को। अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, 13 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तभी हम बताएंगे कि पैसा कितना लग रहा है। आप लोगों को घबराना नहीं है, किसी के जाल में फंसना नहीं, हम सब कुछ आपका कर देंगे। मेरे पास लैपटॉप वगैरह सब कुछ है, मैं आपका करूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो अभी तो आपको फिलहाल 1400 मान के चलना, क्योंकि यहाँ पे 1400 बताया गया। ठीक है, बाकी जो दूसरे कैटेगरी वाले हैं उनका 1550, 750 यानी टोटल 2300 रुपया। ठीक है, ये तो होता है वोकेशनल वालों का, आप लोगों का 1400 रुपया होगा मुझे पता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ छूट भी होना चाहिए मुझे जहाँ तक पता है। चलिए उसके बाद सातवां जो नंबर है, सो सातवां नंबर में क्या बोला गया है कि जो ईएक्स कैंडिडेट हैं जो पूर्व में प्रयोजनल एवं डिग्री सर्टिफिकेट की राशि जमा नहीं किए हैं उन्हें यह राशि जमा करना होगा, या आपको छोड़ देना है। ठीक है, यू आठवां नंबर देखिए, विद्यार्थी परीक्षा परपत्र भरते समय DSC 3 एंड DSC 4 का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेमेस्टर जो DSC 3 है और DSC 4 है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन करते हैं और हमें फिर बाद में कमेंट करते हैं सर मैं तो DSC में ये चुन दिया, ये मैंने DSC में ये 4 चुन दिया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो DSC 3 और DSC 4 का चुनाव कैसे करना है, ये मैं एग्जामिनेशन फॉर्म के ही टाइम बताऊँगा, क्योंकि वहीं पर मैं बता पाऊँगा ना, यहाँ पर मैं तो कुछ बता नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ी बात है, तो आपको गलत तरीके से फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, 9th नंबर में कि जो परीक्षार्थी कोर में अनुत्तीर्ण है उन्हें सिर्फ कोर की परीक्षा देनी होगी, और जो परीक्षार्थी DSC में अनुत्तीर्ण है उन्हें सिर्फ DSC 3 की परीक्षा देनी पड़ेगी। मतलब इसका ये कहना है कि जो लोग पीछे सेमेस्टर 6 का फेल हो गए थे, पिछले बार प्रमोट हो गए थे, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, जो सेमेस्टर 6 में पिछले बार प्रमोट हो गए थे वो लोग फिर से जो एग्ज़ाम देंगे सेमेस्टर 6 के लिए फिर से एग्जाम देंगे। जो जैसे मान लो कोई भी जो पिछले साल का जो स्टूडेंट्स होगा वो एग्जाम दिया होगा सेमेस्टर 6 का, प्रमोट हो गया होगा, तो वो इंतजार करता होगा कि सेमेस्टर 6 का एग्जाम कब होगा। तो ये उन लोगों के लिए जो पहले प्रमोट हो गए थे, तो उनका ये कहना है कि अगर वो कोर में प्रमोट हुए थे तो सिर्फ उसको कोर पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर वो DSC में प्रमोट हुए तो उसको DSC पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दोनों देना पड़ेगा, ये उसका कहना है। ठीक है, उसके बाद जनरल वालों को, जो BA, BSc, BCom जो जनरल वाले हैं उनका ये कहना है कि जो SEC में आपको चुनना है ना, वो आपको क्या चुनना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब BA, BSc और BCom जनरल वाले SEC पेपर में आपको ED विषय अनिवार्य है, यानी कि आप यही चुन सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चुन सकते। ठीक है, ये आपको बताइए। परीक्षा पत्र जो है वो ऑनलाइन मोड में होगा, ये आप सभी को पता है, परीक्षा फॉर्म जो होगा वो ऑनलाइन पर होगा। कैसे होगा नहीं होगा ये तो उसके बारे में लिखा गया कि अपना यूजर आईडी में पासवर्ड डालो, ये करो वो करो, तो हम सभी को बताएंगे, इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जब 12 तारीख 13 तारीख आ जाएगा तो मैं बता दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब था, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें था। अब फाइनली ये रिजल्ट आता है, बताएंगे कि आपका एग्जाम का तैयारी करना कैसे है। ठीक है, तो देखिए मैंने सारा का नोट्स बना लिया है। देखो मैंने आपको बोला कि आपके एग्जाम से 15 दिन पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरा 100% मेरा ये क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि आपको एग्जाम से 15 दिन पहले मैं क्या करूँ, ख़त्म कर दूँ। तो सारा नोट्स मैंने बना लिया, अब बस वीडियो का 30 मिनट का लेक्चर मारना है और अपलोड करना है। मतलब पिछले बार ऐसा नहीं होगा कि नोट्स बनाना पड़ेगा, नोट्स बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है नोट्स बनाने में। ठीक है, अगर नोट्स बनाने में 3 घंटा लगता है तो 1 घंटा लगता है वीडियो अपलोड करने में, तो नोट्स बनाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा नोट्स बना रखा है, अब डेली अपडेट करेंगे। हो सकता है अभी एक वीडियो आएगा, अब डेली आएगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम नज़दीक है। अब फाइनली ये भी बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम हो कब सकता है। तो आपका देखिए अभी जुलाई है ना, तो अब जून भी चल रहा है, तो जुलाई का लास्ट या अगस्त का फर्स्ट में आपका हो सकता है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, बट अभी अभी आपके पास कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 महीना 20 दिन का समय है। ठीक है, 1 महीना 20 दिन का समय है, तो बस इतना ही बात करना था कि आप लोग का तैयारी तो भरपूर करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको सपोर्ट बनाए रखना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।